मुरझाने लगे, दरख्तों के पत्ते भी झड़ जाने लगे। आय हाय, मौसम क्या आया ठंडा ठंडा, सबके घर कुड़लाने लगे। की शायरी की थी, मेरी अपनी शायरी है, उन्हीं नाजल तो कैसे हैं जी सब? मैं तो ठीक ठाक खुशबाश। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ली, जल्दी से जाए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिए, ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बवक्त मिलती रहे। तो जी, ठंडे ठंडे मौसम में ठंडी ठंडी पहली सब्जी इस मौसम दी, जो कि साग आया था, तो असी क्या जी, असी भी साग लैके तरो ताज़ा हो जाइए, साग खा लीए। कुछ साग सानू बड़ा कुछ याद कराते हैं, जब साग का कहीं पे नाम आता है तो मुझे बड़ा कुछ याद आता है। तो उसी नाम पे कल तो किसी ने मुझे बस ऐसा फ़ोन किया कि मैं आपको क्या बताऊं, बताती हूँ अभी अभी आपको बताऊंगी कि किसने फ़ोन किया और कहाँ से फ़ोन किया। टाइटल तो पढ़ ही लिया होगा तुसी, लेकिन बात भी करेंगे स्लोली स्लोली, बने रहो। अजे तो बड़ी ही लंबी गल होएगी, बड़ी लंबी चौड़ी गल होएगी अजे तो, अज तो माका करांगे अज असी। तो जी बस, तो ये देख लें, मेरे भी पौधों के पत्ते झड़ने शुरू हो चुके हैं। कुछ लोग झूठ बोलते हैं, कभी हाय अल्लाह जी, कभी कोई बीमारी, कभी प्रेगनेंसी, तो कभी कुछ। साडे पांडे, साडियां कढ़ाइयां, साडियां फ्रिजां ते साडे इलैक्ट्रिक चीज़ां यूज़ कर करके शर्म नहीं आती। वो कढ़ाई भी तुसी लोगों ने जी कल देखी ना, वो भी मेरी सी, वो भी असी गुजरातों लैके गए सी। तो शुरू करते हैं जी वीडियो। आज हम पकाने लगे हैं जी साग, सरसों का साग आया था, मुझे नहीं लगता सरसों का, लेकिन वो कह रहे थे कि सरसों के, क्योंकि पीले पीले फूल कोई नहीं सी होना उत्ते, तो मैं फिर भी लै लिया। मैं कहा चलो लैके जाने हैं, पहली सौगात है सर्दियाँ दी, तो साग को पकने के लिए रखूँगी। रख तो मैं सुबह गई थी, साग को जो है वो मैं रात को, हमने संडे नाइट को हमने कट कुट लिया था, ठीक है। संडे नाइट को हमने साग सारा, क्योंकि फिर अकेली से मेरे से ये काम नहीं ना होते, बच्चे सारे हों तो फिर मिलजुल के, कोई एक टहनी उधरों फड़दा, कोई एक टहनी उधरों फड़दा, कोई उधरों खिंचदा, कोई उधरों लत तोड़दा, तो साग कट्टिया जांदा। तो छे गुच्छियां साग की थी, एक गुच्छी पालक की, क्योंकि अज सानू हजे तक जो है ना वो बाथू नहीं मिलिया सी, तो हमने वही फिर साग और पालक जो था उसको मैंने काट के अच्छे तरीके से रात को रख लिया। सुबह को मैंने उसमें डाला लहसुन का पूरा, हरी मिर्चें डाली, नमक डाला और मैं चढ़ा गई। और फिर मैंने सुबह ईमान को बोला कि जाने से पहले ना, जब जाओगी तो ये यूनी जाने से पहले इन्हों बंद कर दी, ताकि ये ना हो, मैं 3 बजे आवा, 3:30 बजे मैं घर का डोर खोला तो धुआं धुआं हो जाए। तो फिर उसको मैंने याद करवाया उसके जाने से पहले कि मेक श्योर के कुकर ऑफ कर देना, तो फिर वो बंद कर गई थी। अभी आके मैंने देखा, तो अभी आपको किचन में लेके चलूंगी, आंच में उसकी ऑन कर रही हूँ, अभी आपको जाके दिखाऊंगी और लैया की बात आपको ज़रूर सुनाऊंगी कि लैया 52 में क्या हुआ, लैया 52 से हमें किसने फ़ोन किया। वो उसके लिए आपने पूरा व्लॉग देखना है, तो वो पूरा व्लॉग आपका देखना आपने पूरा ही है, बस उसको छोड़ना नहीं कहीं पर आप भी, ठीक है। जिथे तुम छड़ दिता ना समझो, तो फिर समझो तो कहानी समझ ही नहीं आनी किने फ़ोन किया किने नहीं। तो चले सबसे पहले जाके साग को देख लेते हैं, फिर उसके बाद आपसे बैठ के आराम से सुकून से आज बात करूंगी, साथ साथ में साग की रेसिपी भी दूंगी और मज़े मज़े की बातें भी करेंगे। मैं ना सुबह काम पे जाते हुए साग पकने के लिए यानी कि गलने के लिए रख गई थी, क्योंकि ईमानदार थी, तो मैंने उसको बोला था जाते हुए ना बंद कर दें, तो उसने बिल्कुल वैसे ही किया। वीडियो शीडियो तो उसने मेरे लिए नहीं बनाई, तो मैंने लहसुन डाला था, पानी डाला था, नमक और हरी मिर्चें, ये डाल के साग की थी 6 गुच्छियाँ और एक थी पालक की, बाथू नहीं लंबा सी हजे, तो ये मैं ना पकने के लिए सुबह रख गई थी, तो ये गल गया। अब आके मैंने इसकी फिर कुकर ऑन कर दिया, बिकॉज अभी इसके अंदर पानी है। तो रबाब बोलती है कि मुझे छलियाँ बोल कर दो, तो छलियों का पैकेट लाया हुआ है। अब ये देखें, ये मैंने आपको दिखाया था ना स्टीमर, तो ये मैंने नीचे पानी रखा पैन में, ऊपर ये रख दिया छलियाँ, ये चारों मैं रख दूँगी इस तरह ऊपर स्टीमर के, और इनको ढक्कन दे देंगे और ये जो है उबल जाएंगे। मैं ना ढक्कन भी दे दें इन्हों का, ढक्कन ठहर जो ढक्कन, ये
जी देखें जी, मैंने ये ना उतार दिया क्योंकि ये ना पतीला छोटा था और ये बड़ा था, तो ये ना ऊपर ढक्कन नहीं पूरा आ रहा था, तो इसलिए हमने वो पुराने जो रखते हैं नॉर्मली वही रख दिए मैंने। और साग में भी देखें पानी ऊपर आ गया ना, मैंने आके आग जलाई है, तो बस इसको पकने देते हैं और इसको जाके धो देते हैं। अल्लाह अल्लाह, तो खैर सल्ला। डाइट करें ना करें ये ज़रूर खाया करें, प्रूनस आपके लिए बहुत अच्छे हैं, हेल्थी हैं। मैंने तो आधा पैकेट खा दिया जी खोल के, बहुत अच्छे होते हैं। आपको वो मेरे बहन भाई जिनको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होती है, कॉन्स्टिपेटेड होते हैं, उनके लिए तो ये बहुत अच्छे हैं। तीन दाने सुबह को नाश्ते के साथ खा लें तो बहुत हेल्थी ये होते हैं। तो जिनको ये नहीं पता कि प्रूनस क्या होते हैं, ये है जी ड्राई प्लम, यानी कि आलू बुखारा जो होता है ना वो है ये ड्राई, और ये बहुत सॉफ्ट है, इनके अंदर ना किटक नहीं होती। यहाँ पे किटक वाले भी मिल जाते हैं लेकिन मैं ये सॉफ्ट वाले लेके अपने बिस्मिल्लाह रखा हुआ हूँ। अब आपको एक और निकाल के खा के दिखाती हूँ, अपने राइट हैंड से निकालती हूँ। ये देखिए बहुत मज़े का होता है, मुझे तो ये बहुत पसंद है, इसमें ज़रूर खाया करिए। ये एप्रिकॉट बहुत हेल्दी होती है, एप्रिकॉट हो गया, ये हो गया। आग हमने चढ़ा दिया, बल्कि अब तो कुछ पक भी गया है, बस कोटने का टाइम आने वाला है बस। तो बात मैं कर रही थी, मैंने शायद कल या परसों वाली वीडियो पे पुलिस के बारे में बोला था कि कैसे हो रहा है या जो भी हो रहा है, तो उसमें मैंने किया था कि मैंने तब जब हुआ था तो हमारा वास्ता पड़ा था। तो अब मुझे नहीं पता क्योंकि मेरे पास नंबर है था उस SHO या जो भी है उनका था या जिसका भी फ़ोन था, तो लैया से हमें आया है जी फ़ोन, लैया से आया है फ़ोन। बताऊंगी आपको फिर दोबारा कि वो फ़ोन किसने करवाया है, इसके लिए आप ज़रा इंतज़ार करें, क्योंकि मैंने लास्ट टाइम पे ना बात जल्दी कर दी थी और मेरा वो काम होते होते रह गया था, और इस दफ़ा मैं बात अर्ली नहीं करूँगी, काम करके करूँगी। और कुछ लोगों को मेरा ये मैसेज भी है लैया के चक 52 में कि काम से काम रखो भाई, फिर से हमारी जबान ना खुलवाओ, अगर अब हमने कुछ खोला तो फिर बहुत कुछ खुल जाएगा, तो इसलिए अपने काम से काम रखें, हमें अपना काम करने दें। वो कहते हैं ना ना छेड़ मलंगा नू, तो फिर उसके आगे क्या होगा वो फिर आप लोग देखोगे। तो हम लोग जो कर रहे हैं हमें वो करने दें, हम आराम सुकून से अपनी कुकिंग करते हैं तो हमें करने दो, चाहे आप हमारी कढ़ाइयाँ यूज़ करो, चाहे आप हमारी फ्रिजें यूज़ करो, चाहे आप हमारे जूस ब्लेंडर यूज़ करो, तो वो हमने आपको सदका दिया, खराब दी, बस हमने यही कह दिया कि वो आपके लिए ज़कात थी वो आपके लिए ज़कात निकाल दी। तो चलें जी अब हम जाके साग पकाते हैं और आप लोग वेट करना कि हम क्या धमाल करेंगे उसके लिए, कि किसका फ़ोन आया था लैया से हमें, वो हम आपको बताएंगे, कभी ना कभी ज़रूर बताएंगे, क्योंकि ये जो किसी को मिर्चें लगी हुई हैं ना, उन मिर्चों को फिर हम अच्छे से उन पे पानी फेर सकते हैं। तो चले हम चल के अपना साग पकाते हैं, साग नू कोट लइए, तवीची कई बंदे भी कोट देते हैं हम, तो आ जाओ फिर। साग को हमने आमर से थोड़ा सा फुकवा लिया है, अल्लन डालेंगे थोड़ा सा और साथ साथ में इसको कोटते जाएंगे। मैंने कभी भी साग को मशीन से नहीं कोटा, क्योंकि मशीन से साग कोटे ना तो वो मेहंदी की तरह होता है, साग नू साग की तरह रहन देना, हर जो रेसिपी होती है ना उसको वैसे ही रहन देना चाहिए, क्योंकि उसमें हम अपनी वो डालने ना चलाकियाँ, कुछ लोगों की तरह जो बड़े बोलते हैं आ आ के अब हमारे से पंगे लिए जा रहे हैं टिकटॉक पे, ठीक है, तो वो टिकटॉक पे जो फिर पंगे होंगे वो दंगे ही होंगे, ये हम बता रहे हैं वो फिर दंगे ही होंगे, ये भी हम कह दें कि हम जब किसी को मैं कुछ नहीं कह रही ना तो फिर मेरे काम में भी किसी को लत अड़ाने नहीं देंगे हम, लत अड़ाने नहीं देंगे हम, ठीक है ना। हम जो काम अपना कर रहे हैं हम आराम सुकून से अपनी साफ सुथरी ज़िंदगी को इंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि हमें ना झूठ बोलना आता है ना हमें मकारियाँ आती हैं ना हमें धोखा दहियाँ आती हैं, ठीक है, हम उन लोगों की तरह नहीं है ना कि दिन को कुछ और रात को कुछ स्टोरियाँ बनाएं, वो नहीं हमसे बनती। तो बस जी बस इसको अब मैं कोटूंगी थोड़ी देर और फिर तड़का रेडी करते हैं, और साथ में कुछ लोगों को भी लगाएंगे तड़का,
हो तो देसी घी ना हो, यह तो फिर हो ही नहीं सकता। मक्खन भी हो तो फिर और ही गल है, लेकिन असी है जरा डाइट से, तो मक्खन शक्खन जो है वो तो नहीं हम कढेंगे, लेकिन देसी घी मेरे घर ख़त्म हुआ हुआ काफ़ी देर का, तो मैंने कहा चले बहुत सारे लोग इसकी रेसिपी भी पूछ रहे हैं, साथ साथ में अब एक काम च दो दो शिकार कर दिते जाए, तो मैंने कहा चलो आज देसी घी भी बनाना है, तो देसी घी की रेसिपी भी यूके में आपको दे ही दी जाए। तो इसके लिए मुझे पतीला उठाना पड़ेगा उधर से, जो कि मैंने धो के रखा था क्योंकि उसमें पकाई थी खिचड़ी, तो फिर पकाया नहीं धोता है, तो धो के, तो अब इसको मैंने, इसके अंदर हमने देसी घी बनाना है, तो देसी घी कैसे बनेगा वो आपको दिखाती हूँ। ठहर के पहले इन रख लिए, बैक कैमरे से आपको दिखाती हूँ कि हम किससे देसी घी बनाते हैं। देखिए जी, चाहे आप लोअर पैक ले लें या एंकर ले लें, दोनों से देसी घी बहुत मज़े का बनता है, बिल्कुल पाकिस्तान की तरह बनता है। तो अब हम इसको लेंगे खोल टिकिंगों को, मैं पहले खोलना। देखिए जी, बटर की दोनों टिकिंगा जो थी हमने डाल दी हैं हांडी के अंदर, यानी कि पतीले के अंदर, तो इससे किलो घी मेरा ईजी पीजी निकल आएगा, ठीक है। तो किलो घी जो है, क्योंकि ये 500 ग्राम की एक टिक्की है, क्योंकि ये बड़ी वाली है, छोटी वाली लेनी है थोड़ी अपनी मर्जी है, मैं बड़ियाँ मंगाई हैं क्योंकि छोटियाँ जो हो गई हैं जी, बटर बड़ा महंगा हो गया, तो आज मैंने भी यहाँ से टूंग टांड के कहीं से आमर को भेजा कि कहीं ढूंढ के बड़ी वाली लेके आओ भाई, क्योंकि लास्ट टाइम मैं मानचेस्टर से अपनी अम्मी के घर से उठा लाई थी, उनके फ्रिज में पड़ी हुई थी और मैं उठा लाई थी। तो पहले हमने आँच जो है वो तेज़ कर देनी है ताकि ये मेल्ट हो जाए, तो फटाफट से आंच तेज़ करके आपने इसको मेल्ट कर देना है, फिर इसकी आंच कर देनी है हल्की। ये मैं ना चाह रही हूँ कि ये कढ़ाई से पतीले से बाहर ना जाए, कि बार बार नट के जड़ा ऐसे बाहर जा रहा है ना, ये देखिए यहाँ से फिर बाहर गिरेगा, ये अंदर की तरफ ही रहे तो बेटर है। ये देखिए ऐसे ना फिर टिक्के बाहर चुनेंगे। आंच आपने जब तक ये मेल्ट नहीं होगा ना, आपने आंच तेज़ रखनी है, ठीक है। फिर उसके बाद हमने आंच इसकी कर देनी है हल्की, 20 मिनट में घी हमारा, घी देसी घी पाकिस्तान वाला रेडी हो जाना है। ऐवे बस अब ये बाहर नहीं निकलेगी, अब ये अंदर अंदर ही रहेगा क्योंकि ये हो गया है टिशन पैक। ये देखें यहाँ से ना, इस चीज़ का मुझे डर है कि वेस्ट ना हो, इतना महंगी चीज़ें लेके आओ, वेस्ट थोड़ा ना करनी है। तो साथ ही हमने तड़के का सामान रेडी किया हुआ है, साग को तड़का लगाते हैं, यहाँ से उठा के जो हम घी है ना वो डाल लेंगे, तो फटाफट से तड़का भी रेडी करते हैं हम। के लिए लहसुन और अदरक को पीस लेते हैं कुंडी में पीसिया करो, चीज़ें आपके एक्सरसाइजें हों। मैं तो वैसे ना मशीन में भी तुम पता है पीस ही लेती हूँ, लेकिन साग के तड़के का जो होता है ना वो मैं इसी में कुटती हूँ, क्योंकि ये कुटन का अपना एक मज़ा है। जैसे हमारी नानियाँ दादियाँ मेरी तो अम्मी भी मानचेस्टर में, उन्हों को कुंडी भी ये तो भी छोटी है, ये ना भी कुटती हूँ, क्योंकि जो स्वाद कुंडे के नाल, वो गुरदास मान कहते हैं घर के टुटे हुए कुंडे का स्वाद, वो तो मज़ा नहीं कितने मिलना। साग जो होता है ना, उसमें जितनी आप ट्रेडिशनल चीज़ें डालेंगे ना उतना ही मज़े का बनेगा, तो मशीनी चीज़ें नहीं मैं डालती। तो मक्खन भी ये देखें, यानी कि बटर जो है वो भी सारा तकरीबन मेल्ट हो गया, बस जैसे ये मेल्ट होगा ना मैंने इसकी आँच जो है वो हल्की कर दी, साड़ ना लिया, सड़ गया तो फिर बल गया। अभी ये झाग ऊपर भी आएगी तो बस लस्सी को ऊपर नहीं उबाला नहीं देना आपने, तो चलो मैं ज़रा कुट लाऊं। देखिए जी, प्याज मैंने काट लिए बारीक बारीक, लहसुन अदरक कभी आपके सामने कुटा है, तो अब ये घी जो बन रहा है ना इसी में से हम उठा के इस साइड पे डालेंगे ताकि देसी घी का तड़का रेडी हो, इस तरफ डाल के तो प्याज को ब्राउन करेंगे और घी जो है वो बनता रहेगा। थोड़ा सा उठा के हम इस साइड पे डाल देंगे, बाकी घी साग के ऊपर भी डाल देंगे। सही है ना, ट्राई तो कर रही हूँ कि बस यही आए, लेकिन लस्सी भी नाल ही आ रही है, कहती असी भी बेची हाँ।
देखिए अभी फिलहाल मैं तड़के के हिसाब से डालूंगी क्योंकि इन्होंने ऊपर डाल डाल के भी खाना है सब ने, इसी तो डाइट से हैं भाई। लेकिन साफ पके हो तो फिर डाइट भी कहती है, अज मैं ना ही कर घी जो है मैंने तकरीबन तड़के के हिसाब से जो है वो डाल लिया देसी के, तो बस फिर ये इतना कुल बड़ा। प्याज को हल्का सॉफ्ट होने देते हैं फिर इसमें बाकी चीज़ें ऐड करते हैं। इस स्टेज पे ना तड़का हमारा बन रहा है, आंच हमने बिल्कुल हल्की कर दी है, बस अब हमने इसकी लस्सी थोड़ी साड़नी है। जब आप देखेंगे कि गोल्डन सोने की तरह घी ऊपर आ जाएगा, लस्सी सड़ जाएगी, तो समझो घी हमारा तैयार है। तो बस क्योंकि मैं इधर ही खड़ी हूँ, मेरे खड़े खड़े ये बन जाएगा, जब तक तड़का लगेगा रोटी बनेगी घी भी बन जाएगा। तो आपको दिखाती हूँ साथ साथ अपने, और बस फोन कॉल जो आई है वो आपको बताऊँगी कभी। मैंने ना टाइम तो पहले भी नहीं कुछ रिवील करना चाहेगा क्योंकि ये हमने पहले देखा हुआ है। प्याज जो है जी हल्के हल्के ब्राउन होने शुरू हो गए हैं, अब साथ ही लहसुन अदरक भी डाल देते हैं। इतना भी लहसुन अदरक हमने कूट के रखा है ना, ये सारा इधर जाएगा, ये वाला भी निकाल लेते हैं। पता है क्या है कि साग के अंदर जितना अदरक होगा उतना ही साग की अब खुशबू जो है वो अच्छी आएगी। लहसुन हमने पहले जब पकाया था उस वक्त भी पूरा डाला था, और अभी भी हमने पूरा एक कप अदरक का लहसुन का और 4 से 5 इंच का टुकड़ा अदरक का। तो अब हमने इसको अच्छे से ब्राउन करना है साग सबको। जब ये थोड़ा ब्राउन हो जाएगा, पक जाएगा, अच्छी सी खुशबू आ जाएगी, फिर हमने इसके अंदर जो मसाले रखे हैं वो ऐड करने हैं। आँच में अभी थोड़ी सी हल्की कर दूँगी क्योंकि प्याज जो है वो सड़ ना जाए, क्योंकि जो लहसुन अदरक डाला है ना वो पीसा हुआ है, उसने फटाफट से ना ब्राउन होना, हमने उसको साड़ना नहीं है। ठीक है, सारी चीज़ें अच्छे से ब्राउन हो गई हैं। मैंने नमक और मिर्च साग में चेक किया क्योंकि मैंने काफ़ी सारी हरी मिर्चें डाली थी, तो नमक और मिर्च तो मैं नहीं डालूंगी, लेकिन हल्दी और थोड़ी सी क्रश चिली जो है वो डालेंगे। तो इसको थोड़ा पकाएंगे और साग के अंदर हम डालेंगे और फिर साग का तड़का लगाएंगे। साग के ऊपर भी आग जला लेते हैं। कुछ लोगों को मैंने देखा है साग को तड़का लगाते हुए साग में टमाटर जीरे पता नहीं क्या क्या डालते हैं, लेकिन साग में ये चीज़ें नहीं डलती। टमाटर तो बिल्कुल भी नहीं साग में अच्छा लगता और ज़ीरा भी नहीं अच्छा लगता। बस चीज़ जैसे ये पकता है तो इसको हमने साग के अंदर ऐड करना है, फिर साग को थोड़ा घुमाना फड़ाना है, यानी कि कोटना छोटना है दोबारा से, और बस साग मेरा रेडी है। जब साग पैंदा छोड़ देगा ना तो फिर साग रेडी है। ये देखिए बस तड़का तकरीबन रेडी होने ही वाला है, ये हो गया रेडी। अब इसको हम उठाएंगे और इधर डालेंगे। तो थोड़ा सा इसमें से साग लेंगे और इधर डालेंगे। ये आवाज़ बुलाएंगे जो हमने तड़के की, और इस सारे साग को हमने वापस इसी में डाल दें। हमने करना है इसको मिक्स, और इसको अच्छे से हमने करना है इस तरह, यानी कि भुनना है इसको अच्छे से, भूनना है ताकि साग जो है वो अच्छे से पैंदा छोड़ दे। जब साग ने पैंदा छोड़ देना ना, अब घी के साथ भूनना शुरू हो जाना, फिर साग रेडी। तो चलिए मैं ज़रा इसको घुमाऊँ तो फिर आपसे मिलती दिखाती हूँ आपको फाइनल लुक। अल्हम्दुलिल्लाह देखें जी साग ने घी कैसे अच्छे से छोड़ दिया। तो बस साग हमारा रेडी है, बस अब हमने बनानी हैं रोटियां और फिर आपको दिखाते हैं। यहाँ पे घी भी जो है वो बिल्कुल रेडी होने वाला है, बस अब इसको भी मैं निकाल लूँगी। ये थोड़ी सी ये जो इसके ऊपर झाग है ना ये ख़त्म हो जाए, फिर इसको भी मैं बर्तन में निकालती हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ। लेकिन इसमें थोड़ी सी अभी कसर है तो ये आपको इसकी फाइनल घी की अभी दिखाऊँगी। साग माशाल्लाह से बिल्कुल रेडी है। ये देखें जी घी की सारी झाग जो है वो ख़त्म हो चुकी है, लस्सी सारी ख़त्म हो चुकी है और घी हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो बस इस स्टेज पे आपने कुकर को बंद कर देना और बस इसको आपने निकाल लेना फटाफट से किसी स्टील के बर्तन में, प्लास्टिक के बर्तन में ना निकालिए।